ईडन गार्डन्स, यही है वो ऐतिहासिक मैदान जहां से शुरू हुआ था सौरव गांगुली का क्रिकेट का सफर। 3 दशक पहले रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच था बंगाल बनाम दिल्ली का, और सौरव गांगुली डेब्यू मैच में ही साबित कर दिया था कि वो एक लंबे रेस का घोड़ा है। और पहले मैच में सबको ये देखने को मिला था कि कोई भारतीय क्रिकेट में आ गया है जो बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसा टैलेंट जो बहुत दिन भारतीय क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं। इसके आगे सौरव गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिला और धीरे धीरे वो भारतीय टीम का कप्तान बने और भारतीय टीम को बहुत आगे लेकर गए। और ऐसा एक दौर से तब गुजर रही थी टीम इंडिया जब क्रिकेट से लोग विश्वास खो रहे थे, क्योंकि मैच फिक्सिंग का एपिसोड सामने आ गया था। सौरव वहां से भारतीय क्रिकेट को रिवाइव किया और जो नए पूल ऑफ टैलेंट्स हैं उनको खड़ा किया, और आगे जाकर जो खिलाड़ी बहुत दिन भारतीय क्रिकेट को सर्व किया और 2003 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची और इसके आगे ग्रेग चैपल वाला कंट्रोवर्सी रहा। सौरव का जो करियर है वो बराबर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा और कहीं ना कहीं सौरव गांगुली बार बार उससे आगे निकल कर आए, उससे बाहर निकल कर आए और फिर जो उनका गोल है उसको हासिल किया। तो सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट में जितना भी कप्तान आए सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक है, लेकिन ऐसा शायद ही इससे पहले हुआ, एक ही बार हुआ था जब महाराजा विजयानाग्राम, शायद ही किसी ने नाम सुना हो, जो क्रिकेट रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं शायद उनको पता है, लेकिन आम क्रिकेट फॉलोअर्स को पता नहीं है। महाराजा विजयानाग्राम जो 1936 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे और 1954 से 57 तक BCCI के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन सौरव गांगुली रेपीटेड जो खिलाड़ी है उनमें शायद सौरव गांगुली एकमात्र है जो भारतीय टीम के कप्तान रहा बहुत सालों से और फिर अब बने हैं वो BCCI के प्रेसिडेंट। तो सौरव गांगुली को क्यों चुना गया, क्योंकि सौरव गांगुली पीछे चल रहे थे जब बैठक शुरू हुआ था, अनऑफिशियल मीटिंग था जिसको कन्वीन किया था एन श्रीनिवासन ने मुंबई में, ये बैठक था उससे एक दिन पहले सौरव गांगुली ने अमित शाह से मिला, होम मिनिस्टर अमित शाह से मिला, और इसके बाद ये चर्चा हो रहा था कि सौरव गांगुली शायद बहुत आसानी से BCCI के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन जब बैठक शुरू हुई मुंबई में एन श्रीनिवासन मीटिंग को कन्वीन किया था, लगभग 100 मेंबर्स आए थे उस बैठक में, वहाँ जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो एक यूनानिमस डिसीजन में पहले आ चुके थे कि प्रेसिडेंट कोई बनेंगे तो वो होगा ब्रिजेश पटेल जो कि एन श्रीनिवासन के बहुत क्लोज है। और रात को करीब 10:30-11 बजे तक सबको यही पता था कि प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ब्रिजेश पटेल, सेक्रेटरी जय शाह और ट्रेजरर अरुण धुमाल। लेकिन इसके बाद स्लॉग ओवर में जब मैच गया, सौरव गांगुली एक लास्ट मिनट रेस्क्यू किया जैसे वो क्रिकेट में करते थे, जिस तरह से स्लॉग ओवर खेलते थे, जिस तरह से लंबे लंबे हिट करते थे, वैसा ही हुआ। एक आधा घंटे में सब कुछ बदल गया, 11 बजे से 11:30 के अंदर ये खबर सामने आने लगा कि सौरव गांगुली बनने वाला है BCCI के नया अध्यक्ष। जो अनुराग ठाकुर है वो अचानक बैक करने लगे सौरव गांगुली को, क्यों आपको बता दूं, अनुराग ने कहीं ना कहीं BCCI के जो अधिकारी है उनको समझाया कि सौरव गांगुली का एक्सपीरियंस आप डिनाई नहीं कर सकते, इतना सालों से भारतीय क्रिकेट को सर्व किया, इतना आगे लेकर गए सौरव गांगुली, और वो CAB, मैं अभी जहां खड़ा हूं ये ईडन गार्डन्स है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का होम ग्राउंड है, सौरव गांगुली इस ग्राउंड को भी पूरी तरह से बदल दिया। किस तरह से आपको मैं बता दूं कि यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम था, इससे पहले थोड़ा बहुत बारिश होती थी और मैच रुक जाता था, लेकिन सौरव गांगुली जब प्रेसिडेंट बने, सौरव गांगुली ने ये मैदान को रीमॉडल किया और अब ये मैदान ड्रेनेज फैसिलिटी वाइज दुनिया के कोई भी मैदान को टक्कर दे सकता है। और आपको बता दूं रीमॉडल किया गया पूरे स्टेडियम को और जिस तरह से पिच बनाया गया, अब ये पिच जो है लगातार 2 साल IPL में सबसे बेहतरीन पिच इसको चुना गया था, वजह यह था स्पोर्टिंग पिच था। और 1-2 टेस्ट मैच यहाँ ऐसा देखने को मिला था जहाँ भारतीय पेसर्स भी कहा कि हाँ ये पिच ऐसा है कि लग रहा था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं या इंग्लैंड में खेल रहे हैं। इसका श्रेय जरूर जाता है सौरव गांगुली को, क्योंकि एक ऐसा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जो समझते हैं कि क्या करना चाहिए हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट में, तो शायद इसीलिए बंगाल क्रिकेट इतना आगे बढ़ा पिछले कुछ सालों में, वुमेन्स क्रिकेट भी आगे बढ़ा, जूनियर लेवल में भी जो बंगाल क्रिकेट टीम है वो अच्छा करने लगा। तो ये
जो एग्जाम्पल्स है अनुराग ठाकुर ने रखा बीसीसीआई के बाकी सदस्यों के सामने कि सौरव गांगुली का एक्सपीरियंस अब डिनाई नहीं कर सकते और सौरव को अभी मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनके सामने सिर्फ 10 महीने हैं और 10 महीने उनको समय देना चाहिए। 10 महीने इसीलिए क्योंकि लोधा रिफॉर्म्स के बाद आप 6 साल के बाद अगर 6 साल लगातार आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना पड़ेगा। तो सौरव गांगुली 5 साल 2 महीने वो बिता चुके हैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में, तो इसीलिए सौरव के सामने 10 महीने हैं। और जब सौरव के सामने पहले प्रस्ताव रखा गया था कि आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो सौरव ने मना कर दिया, तो वो कहा क्यों वाइस प्रेसिडेंट मैं नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि 10 महीने अगर मुझे कुछ करना है तो मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो इसके आगे बीसीसीआई के जो आला अधिकारी है एन श्रीनिवासन पीछे से वो इस मीटिंग में वो हिस्सा ले रहे थे और पीछे से वो उनका जो ओपिनियन है वो सामने वो ज़रूर रख रहे थे। तो एन श्रीनिवासन, जय शाह, अनुराग ठाकुर सब मिलके ये फैसला किया आखिरी मोमेंट में, जैसे कि स्लॉग ओवर में होता है, डेथ ओवर्स में होता है, वैसा ही डेथ ओवर्स देखने को मिला बीसीसीआई के ये अनऑफिशियल बैठक जो चल रहा था मुंबई में वहाँ भी। और एकदम आखिरी मोमेंट में लगभग मिडनाइट के टाइम 11:20-25 हो रहा था तब ये फैसला लिया गया था, हाँ सौरव गांगुली को चुना जाएगा अगला अध्यक्ष के रूप में। और सौरव बन गए हैं नया अध्यक्ष, 23 अक्टूबर को ऑफिशियली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और आपको बता दूं कि इसके आगे क्या है, सौरव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला साल भारतीय क्रिकेट टीम को खेलना है T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होना है। इस बार आप अगर देख लीजिए कि टीम इंडिया ज़रूर अच्छा परफॉर्म कर रही है और लगातार मैचेस जीत रही है टीम इंडिया, घरेलू मैदान पर लगातार 11 सीरीज जीतकर इतिहास रचा है विराट कोहली एंड कंपनी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में सिर्फ एक मैच खराब खेलने की वजह से टीम इंडिया विश्व कप नहीं जीत पाई। और कहीं ना कहीं दर्शक चाहेंगे अगला साल जब T20 विश्व कप होगा वहाँ अच्छा करे भारतीय टीम। और सौरव का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भारतीय टीम को कुछ ज़रूरत है इस समय तो वो है अच्छा सिलेक्शन कमेटी। ये जो सिलेक्शन कमेटी फिलहाल है ये सिलेक्शन कमेटी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, सब सिलेक्टर्स मिला के सिर्फ 15-20 मैचेस इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। तो सौरव ज़रूर चाहेंगे कि टॉप सिलेक्टर्स को सामने लाने के लिए जो ज़्यादा मैचेस खेला है, दिलीप वेंगसरकर का जैसा, किरण मोरे जैसा, या कोई भी जो इससे पहले सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने अंशुमन गायकवाड़, तो वैसा ही एक सिलेक्शन कमेटी ज़रूर सौरव गांगुली चाहेंगे कि सामने आए और सही खिलाड़ियों को चुने। ये है ABP News, आपको रखे आगे।